मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की पहल पर 1 फरवरी से विकास भवन के सभागार में मेधावी एवं गरीब छात्रों को निःशुल्क आईएएस और पीसीएस की तैयारी के संबंध में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में एक बैठक का आयोजन सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में किया गया। बैठक में आईएएस और पीसीएस के प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने छात्र और छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बीच में शिक्षा का कोई भी बाधा नहीं आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र खुद विचार कर प्रशिक्षण में शामिल हों और एक दूसरे को अपने अनुभव का ज्ञान भी अर्जित करावें। इसके अलावा कौशल विकास मिशन में भी प्रतिभाग कर अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। गौरतलब है कि 1 फरवरी से सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक जिले के आईएएस अधिकारी जिले में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे मेधावी और निर्धन छात्रों को प्रशिक्षण देंगे, जिससे उन्हें एक मुकाम हासिल हो सके। और भी कई सब लोग अरेंज करेंगे उससे डायरेक्शन लेने, गाइडेंस लेने। इट इज नॉट कोचिंग। कोचिंग वर्ड कोई यूज करेगा मुझे अंदर से घृणा कोचिंग वर्ड नहीं है, कोचिंग गलत है। आपको खुद बनना है। आप उसके लिए इनपुट चाहिए, दैट विल प्रोवाइड। बुक्स हो, कुछ भी हो, लेट इट बी अ लाइब्रेरी हो। डीएम सर का विजन है कि सब बच्चों को यहाँ लाइब्रेरी की एक्सेस दी। 4 लाइब्रेरी तैयार करा रहे सर, सीएम सर सर का विजन है। चौड़ी चौड़ा में भी हमने कर रहे हैं लाइब्रेरी, जो शहीद स्मारक है उस पर भी लाइब्रेरी है, उसको इसी तरह रिपर्पिश कर देंगे। 4 से पहले हो जाए। ठीक है बच्चे, आपका क्या खड़ा कर नहीं कर पाते हैं सर, बड़े बड़े शहरों में जा पाते हैं सर। सर मैं देखता हूँ सर, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनका आंसर राइटिंग तो सर लमसम। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में बांटना छोड़ो। एक पॉइंट ये, और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, बहुत सारे। ये पहले ही मैंने बोल दिया कि ये बिल्कुल गलत है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में जब आप बांट देते हो नॉलेज को, ये गलत है। हिंदी मीडियम वाले के पास ज्यादा नॉलेज, पूरा एनालिसिस है। इट हैज मेनी पार्ट्स। पहला है प्री पार्ट, जिसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स जीएस की पकड़ आती है, उसमें तो कोई हिंदी इंग्लिश का मतलब ही नहीं है। सेकेंड पार्ट राइटिंग स्किल्स है, वो हिंदी में भी अच्छे हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं। थर्ड आता है पर्सनैलिटी पार्ट, उसमें भी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं। अब क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है 1 साल का, अब आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो प्रिजर्वेंस है इसमें, कि आप 1 साल की पूरी फाइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उसके पीछे भी फाइट हो सकती है, लंबी हो सकती है। तो कई लोग उस फाइट तक नहीं लड़ पाते, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन अगर ज्यादा लेंगे तो फिर अभी आपका जो प्रोसीजर है पूरा असेसमेंट का वो कम्प्लीट कर लेते हैं। हर बच्चे का 10-10, 5-5 मिनट लगा के आप कर लीजिए आपका पूरा, शाम को पूरा मैप पढ़ लेंगे, फिर हम उसमें से क्लासिफाई करेंगे। लेकिन सब लोग अपना एक स्किल डेवलपमेंट जॉब के बारे में लिखिए। किसी के पास प्रोफेशनल स्किल्स है, मान लो बीटेक कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, बिजली में कर रखा है, अलग अलग ट्रेड में कर रखी है, अपग्रेडेशन ऑफ योर स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, वो भी आप एक लिख सकते हो कि सर आई नीड दिस जॉब। अगर हो इस तरह से ही चलेगा तो, क्योंकि उसमें लिमिटेड है हमारे पास कैपेसिटी, जो आईएएस आईपीएस में जाएंगे वो लिमिटेड है। लेकिन ये ओवरऑल हम आपको कैटेगराइज कर लेंगे, मैंने बता दिया। आप लोग करते हैं, कंटिन्यू करें तो हम लोग देखें। हाँ बोलिए। अभी फॉर्चुनेटर है तो हमारा पूरा स्किल डेवलपमेंट मिशन देखते हैं। तो फॉर्चुनेटर बताइए, युवाओं के लिए है जो युवा रोजगार करना चाहते हैं, उनका एक चैनल बना करके जिले में यहाँ पे सर के माध्यम से एक यहीं पे